इनमें कितनी कुछ सच्चाई है, इसकी जमीनी हकीकत आज हम आपको दिखाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं नलिनी और आप देख रहे हैं सिटी होम न्यूज़। आज हम आपको विकास के दावों की जमीनी हकीकत दिखाने वाले हैं। तो अभी हम मौजूद हैं लुधियाना के प्रताप चौक पर, जहां पर हम आपको दिखाने वाले हैं विकास, जो विकास है उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है। मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगी कि वो आपको तस्वीरें दिखाए कि यहाँ पे ये रोड है प्रताप चौक का, और कितना बड़ा गड्ढा है। इतना बड़ा गड्ढा है जो कि लोगों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ नजर आ रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इतना बड़ा गड्ढा है और बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में जब पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी जब ऊपर तक भर जाता है, तो कई लोगों को ये गड्ढे दिखाई भी नहीं देते हैं, जिसका लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है और एक्सीडेंट का ये कारण बनता है, दुर्घटना का कारण बनता है। हमारे पास यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो काफ़ी परेशान हैं इन गड्ढों से, तो इनसे भी बातचीत करेंगे और इनसे भी जानेंगे कि इनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। सर, ये जो विकास के इतने बड़े बड़े दावे करती है नगर निगम, और अभी हम देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े गड्ढे सड़कों पर पड़े हुए हैं, इसके बारे में क्या कहना है? ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਆਹ ਟੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ 400-500 ਰੁਪਏ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਸੇ। ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਹੈਂ, ਮੂਹਰੇ ਵਾਲਾ ਐਕਸਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੀ ਆਟੋ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲਣੇ ਆ। ਤੋ ਆਪ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੜਕਾਂ ਹਾਂ ਟੋਏ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ? ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋ ਕਹਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਆ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕੇ ਵਗੈਰਾ ਹਮਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਸੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਲੇਕਰ ਕੀ ਕਹੇਂਗੇ? ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾਇਆ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, 20 ਪਾਇਆ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ। ਮੇਅਰ ਕੋ ਲੇਕਰ ਆਪਕਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਅਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਮੇਅਰ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬਸ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮੇਅਰ ਆ, ਉਹ ਜਰਾ ਇੰਨੀ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਬਸਾ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਮਰਨਾ ਮਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮੇਅਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੜਕ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਸੜਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟੋਏ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ। ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੌਪਾ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਸੜਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਏਰੀਆ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? इसलिए वो यहाँ पे विकास कार्य नहीं करवा रहे। हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़ने लगे हैं जो की काफी ज्यादा पीड़ित है, इनका हाल ही में एक्सीडेंट भी हुआ था, तो ये उसके बारे में थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे, तो इनसे पूछते हैं। मैडम जी, मैं क्या बताऊं, कितने कितने खड्डे हैं शिमलापुरी के अंदर जाकर देखो, कोई मैं मामूली आदमी नहीं, मेरी भी एक फैक्ट्री है जी, एस के मैकेनिकल वर्क्स के नाँ के उत्ते मेरा काम चलता, मेरा जनरेटर का काम आ, जनरेटर का काम आ, जेडे कि ऑल पंजाब इंडिया के मेरे जाते हैं, ऐसा 3-4 गड्डिया ने मेरे को, कदे बंदे का यहाँ नुकसान हो जाता, कभी कहाँ हो जाता, कभी ये खड्डे, इतने इतने खड्डे हैं, बहुत ज़्यादा खड्डे हैं जी। तो नगर निगम तो कहती है कि हमने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, उसमें तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है जी, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मेयर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेयर साहब को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ जी, जो पहला मेयर साहब था गोलबाड़िया जी, उसने कुछ ना कुछ विकास किया था, इसने तो कुछ भी नहीं किया जी, एक कुलवंत सिंह सिद्धू है जी, इसने कोई विकास नहीं किया जी। मैं बलकार सिंह सिद्धू को भी जानता हूँ जी, जो अभी का मेयर है, जो सी जोन के ऊपर है जी, इन्होंने कोई विकास ही नहीं किया जी, कोई विकास ही नहीं किया जी। वो तो बड़े बड़े दावे ठोकते हैं कि हमने ये विकास किया, हमने वो विकास, कोई विकास नहीं, आपके सामने है जी, आपके सामने आप चेक कर सकते हैं। आपके साथ क्या आप बीती हुई थी इस रोड पर? आपके साथ क्या आप बीती हुई? मैं रात को आ रहा था इस खड्डे के अंदर, मेरा यानी के स्कूटरी स्लिप हो गया, मैं गिर गया था, मेरे चोट, ये यहाँ चोट भी लग गई थी, देखो मैं अपने कैमरा मैन से कहूंगी इनके चोटे दिखाएं कि किस, इनके चोटे दिखाएं, ये देखिए। तो यहाँ पे लोग काफी ज्यादा पीड़ित नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, ऊपर से बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में तो लोगों को दिखता भी नहीं कि गड्ढे हैं, तो उसमें लोग फंस जाते हैं और लोग गिर जाते हैं। मैं तो यही अपील करनी चाहता हूँ, बाकी काम छोड़ो, इन लोगों को जो खड्डे खुड्डे हैं ना, सब बंद करने चाहिए जी, क्योंकि जैसे मैं तो अभी बुढ़ा हूँ, 65 साल की उम्र हो गई है, 65 साल की उम्र, अगर कोई और आदमी ऐसे गिर जाएगा तो उसका कितना नुकसान हो जाएगा जी। हाँ जी, ऐसे भारी भारी गड्ढों की वजह से ही हमारे देश में ऐसे बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। तो
तो आपने देखा इनकी आप बेटी, ये भी इनका भी एक्सीडेंट हुआ था इसी रोड पर। और हमारे साथ यहाँ पे और शॉपकीपर्स भी हैं जो कि इनकी यहाँ पे दुकान है, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि जो ये शॉपकीपर्स हैं इनको ज़्यादा पता होगा एक्सीडेंट्स के बारे में, तो क्योंकि इनकी सामने भी दुकान है और आवाजाही जो लोग करते हैं, जो भी यहाँ पर बीती है लोगों के ऊपर, जो भी दुर्घटना होती है इनकी आँखों से तो वो छुप नहीं सकता, तो हम इनसे ही जानेंगे, इनसे बातचीत भी करेंगे। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे शॉपकीपर जुड़ने लगे, इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं क्योंकि ये सामने इनकी दुकान है बिल्कुल, तो इसके बारे में इनका क्या कहना है। हाँ जी, जैसे कि ये यहाँ पे सड़क जो बनी हुई है ये देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गड्ढे हैं, और बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में लोगों को गड्ढे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते हैं। बरसात के मौसम में गड्ढे दिखाई की वजह की नहीं है इस, ये बिना बारिश के यहाँ इतनी गड्ढे में रोड रोड दो तीन एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। परसों दो लेडीज गिरी हैं, एक लड़का गिरा है, उससे पहले दो लेडीज गिरी हैं, उसके मुंह पे चोट लगी है, यहाँ पे उसकी पैंट फट गई है, उसके गोडे पे चोट लगी है, पैर पे चोट लगी है, उसको चार बंदे उठाने गए हैं, लेडीज को भी और जेंट्स को भी। यहाँ कोई नहीं किसी को पूछता, ये खड्डा चाहे 10 खड्डे भी ऐसे आ जाए तभी ये रोड ऐसी की ऐसी रहेगी। पीछे इससे पीछे देखो बसंत पार्क के पास कितने खड्डे हैं, कोई नहीं देख, ये सब पब्लिक देख रही है, MLA वगैरह कुछ नहीं देखते। यहाँ के जो काउंसलर हैं उनसे शिकायत नहीं की गई इन गड्ढों के बारे में? काउंसलर को पता है जी, क्यों नहीं पता उसको भी, वो भी इनकी गाड़ी भी इधर से, उनके बंदे भी यहाँ से गुजरते हैं जी। तो उनको ये गड्ढे दिखते नहीं है क्या? दिखाई जरूर देते होंगे, क्यों नहीं दिखाई देते होंगे। अब ये तो उनकी मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं इसमें। ये है कि अब बारिश है, बारिश के बाद हो सकता है ये खड्डे भरेंगे, अभी बारिश चल रही है जी। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे और भी शॉपकीपर से बातचीत करने की, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में लोगों की आवाजाही चलती रहती है, और क्योंकि आवाजाही तो रुक नहीं सकती है, और बरसात में जो पानी भर जाता है, उस जो पानी भरता है उसमें लोगों को जो गड्ढे हैं वो बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं, जो कि दुर्घटना का सबब बनते हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। हम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, हम काउंसलर से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी ये सवाल ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए, और लोगों के लिए काफ़ी परेशानियों का ये मुद्दा है। अभी आपने प्रताप चौक की सड़कों का हाल देखा, और हमने आपसे कहा था कि हम या वहाँ के जो काउंसलर हैं उनसे भी बातचीत करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो अभी हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 50 के काउंसलर स्वर्णदीप सिंह चहल के सामने, तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और इनके क्या कुछ राय है इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जो अभी हम प्रताप चौक पे आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे थे, तो हमने वहाँ पे सड़कों का हाल देखा, काफ़ी बुरा हाल है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैडम, इस बार बरसात बड़ी लंबी चलेगी, उदे करके साडा प्लांट चलिया नहीं है प्रीमिक्स का, पैच वर्क जो प्लांट चलेगा तभी लगेंगे खड्डे। असी जिन्नी बार भी बरसात होंगी दूजे दिन जरूर भरने, तुम प्रताप चौंक देखो गटका पाया हुआ साडा भी, नो गटका नहीं पाया, खड्डे भरे हुए गटका पाया पर बरसात के निकल जाता, जिनी देर प्लांट नहीं चलता साडा उन्नी देर पैच वर्क हो नहीं सकता। फिर भी असी मेयर साहब न मैं बेनती की, अज मेयर साहब ने जरूर रेडीमिक्स की गड्डी भेजी RMC की ढोलेवाल चौंक के, असी अजे पाए ही आ पा के हटे ही हाँ, जदे बरसात आ गई वो सारा मटीरियल निकल गया। बेशक तुम मार्केट तो पुछ सकते हो, मैं कोले खड़ के पवाया वा भी खड्डे बड़े ने, बरसात के पानी भर जाना लोगों को दिखता नहीं, स्कूटर मोटरसाइकिल कार वाले बहुत बुरी तरह डिगदे आ नीचे, सट लगती है जैसे कि बरसात का मौसम है, बरसात में गड्ढे में जो पानी भर जाता है लोगों को वो दिखता नहीं, जिसके कारण लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं। तो हमने भी लोगों से बातचीत की, उन्होंने बोला वो भी बहुत ज़्यादा दुर्घटना का शिकार हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं कि आपने गड्ढे भरने की कोशिश की लेकिन बरसात के कारण वो नहीं हो पा रहा है, तो जो मटेरियल है उसका पहले से इंतज़ाम करके अगर रख दिया जाए तो क्या ये सही नहीं होगा? नहीं मैडम, तुम आप जहाँ खड्डे हैं वहाँ जरूर देखिए, बजरी निकल के जाती है जब हम डालते हैं ना, तो आगे बजरी बहुत आगे तक निकल जाती है, बीच में पानी निकाल देता, गाड़ी के टायर लग कर निकल जाती है, गड्ढे भरते हैं। अब बरसात आज ना होती तो आज पैच वर्क हो जाना था, आज बरसात ने फिर हमारा नुकसान कर दिया, जबकि आज मेयर साहब ने खुद पैसे लगाकर मटेरियल भेजा है। मैं ये नहीं कहूँगा, मैंने बोला भी खड्डे बढ़े हैं मेयर साहब, तो उन्होंने गाड़ी भेजी है रेडीमिक्स की, पैसे मेयर साहब ने अपनी जेब से खर्चे हैं, फिर बरसात हो गया नुकसान हो गया। तो फिर इस
इसका पक्का हल क्या किया जाए? जब तक बरसात नहीं रुकती तब तक फिर लोगों को ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हम आगे जाकर जरूर प्लानिंग करेंगे कि हमारा रेडी मिक्स का प्लांट हम लगाएंगे, क्योंकि हमारा प्री मिक्स का प्लांट है, लुक का प्लांट लगा, वो ओपन में लगता है, बरसात होगी अब 3 दिन प्लांट नहीं चलेगा। तो हम कोशिश करेंगे, मेयर साहब को बोल रहे हैं अभी हाउस की मीटिंग में मता लेकर आएंगे भी एक हमारा रेडी मिक्स का प्लांट लग जाए, जो सर्दियों में भी पैच वर्क होता रहे सड़कों का, जरूर होगा, जरूर करेंगे, इसको प्रायोरिटी पर करेंगे। नहीं तो फिर सड़कें थोड़ी टूटती है, बरसात होती है, ज़्यादा नुकसान होता है, फिर आदमी के चोट भी लगती है, किसी का गाड़ी का, किसी की जान भी जाती है। हम नहीं चाहते कि किसी के परिवार का कोई, किसी की जान जाए। इसके अलावा कोई और पक्का इलाज नहीं है सड़कों का ताकि लोगों को समस्या ना आ सके? हम जितनी भी सड़कें हैं वो सारी लुक रही है जी, बरसात के बेटे टूट रही है, पर अब आगे वाले समय में पॉलिसी बना दिया भी सारी कंक्रीट की सड़कें बनेगी, जहाँ का कहीं भी कंक्रीट की सड़क वो पानी में नहीं टूटती। तो जितनी अब पुरानी रोड है लुक वाली वो सारी बंद करके उसकी जगह नवी कंक्रीट की सड़कें बनेगी, यही इसका सलूशन है। अभी हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे थे हमें, तो इसका आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? असर तो चलो जिहड़ा दिखना इहदे विच कारपोरेशन का कोई कसूर नहीं है, मैं कही है जी। हुण बरसात, ये तो सड़कों का काम कारपोरेशन का ही है, उनका जिम्मा है, कारपोरेशन ही सड़कों का काम देख। आपकी बात समझते हैं भी, कारपोरेशन का काम कारपोरेशन ने करना है, पर रोज बरसात हो रही है, ये बात समझने वाली है, लोगों को भी समझनी चाहिए कि बरसात रोज हो रही है, इसलिए प्लांट पैच वर्क नहीं हो रहा, बस यही दिक्कत है। 3 रोज बरसात ना हो, 3 रोज बंद हो जाए बरसात, तो आप देख लेना सारी सड़कों का पैच वर्क हो जाएगा, 2 दिन में सारी सड़कों का पैच वर्क होगा जी। आपको ये नहीं लगता कि कोई दूसरा उपाय ढूंढा जाए सड़कों को पूरी पक्की तरीके से ठीक करने के लिए, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ही ना आए, लोग मुसीबतों का सामना ही नहीं करना पड़े लोगों को? आपको बोल रहा हूँ कि हम जो लुक वाला प्लांट है हम उसको जरूर बंद कर देंगे, आने वाले समय में कंक्रीट की सड़कें बनेगी, वो टूटेगी, पैच वर्क भी अब सर्दियों में ये प्लांट नहीं चलेगा, 10-11 महीने में प्लांट बंद हो जाएगा, करीब करीब नवंबर दिसंबर जनवरी चलते ही बंद हो जाएगा, फिर जाके अप्रैल के बाद प्लांट चलेगा, 6 महीने पैच वर्क नहीं होगा, 6 महीने लोगों को फिर ऐसे समस्या का सामना। हम उससे पहले ही इसको हल, जितना सड़कों का पैच वर्क जो सड़कें बनने वाली हैं वो बनाएंगे, नहीं बनाएंगे जरूर उनको, पर आने वाले समय के लिए हम RMC का प्लांट लगाएंगे कारपोरेशन का, जिससे सीमेंट का पैच वर्क सारा साल चलता है, उसे सर्दी गर्मी की जरूरत नहीं पड़ती। रेडी मिक्स को जरूर मेयर साहब को बोलेंगे, मेयर साहब अच्छे आदमी हैं, लुधियाने की जितनी डेवलपमेंट इन 5 सालों में हुई है 3 सालों में कभी नहीं हुई, कोई पक्षपात नहीं, हम विरोधी दल के लीडर हैं, मैं आपको बोलता हूँ मैं लोक इंसाफ पार्टी का पोजीशन का लीडर हूँ पार्टी का हाउस में जी। पर फिर भी मेयर साहब ने कभी भी पक्षपात नहीं किया किसी के साथ भी, ये जरूर आप मजबूरी है जो सिस्टम है भी, प्लांट हमारा जो लुक वाला है वो ओपन में लगा है, आज बरसात हो गई अब 3 रोज वो चलेगा नहीं, 3 दिन नहीं चलेगा, पैच वर्क 3 दिन लेट हो गया, अगर आज बरसात ना होती तो आज प्लांट जरूर चलना था, बरसात होगी प्लांट नहीं चलेगा, रह गया, और कोई हल नहीं इसका जी। अब हल ये है कि हम आगे आने वाले समय में लुक वाली सड़कें बंद करेंगे सिटी के अंदर अपने, तो RMC की सड़कें बनाएंगे, जिससे लोगों को जरूर इसका फायदा होगा आने वाले समय में। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे लोक इंसाफ पार्टी और वार्ड नंबर 50 के काउंसलर स्वर्णदीप सिंह चहल, जिन्होंने कहा कि जो सड़क है, सड़क निर्माण का कार्य ये आने वाले टाइम में ज़रूर करेंगे, लोगों की समस्याओं का हल ज़रूर करेंगे, लेकिन ये कब होगा ये देखना बनता है। तो हम आपको आगे की भी अपडेट्स ज़रूर देते रहेंगे, ऐसी आगे की अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए सिटी होम न्यूज़। कैमरामैन विकास के साथ नलिनी।